ये कहानी है एक वैज्ञानिक की जिसका नाम था कैनी और उसकी उम्र थी करीब 24 साल। कैनी स्विट्जरलैंड के एक रिसर्च संस्थान में काम करता था जो दुनिया का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहां पर द लार्ज हाइड्रोकोलाइडर नाम का एक बहुत बड़ा मशीन है और इस मशीन की मदद से वहां पर वैज्ञानिक दो पार्टिकल्स को टकराकर उनसे निकलने वाले कणों की जांच करते हैं। कैनी और उसकी टीम के और वैज्ञानिक उन पार्टिकल्स की जांच करते हैं जो टकराव के बाद बहुत ही कम समय के लिए ही सही लेकिन वास्तविकता में प्रकट हुए हो। कैनी का जीवन इतना रोमांचक नहीं था, वो अपने साथियों के साथ पूरा दिन उस लैब में बिताता। दिन खत्म करने के बाद जब वो घर पहुंचता तो थका होता। उसे लगता था कि उसके जीवन का कोई खास मकसद नहीं है। वो ये भी सोचता था कि उसके जीवन में किसी बड़ी जरूरी चीज की कमी है। कैनी ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था। उसकी केवल एक ही दोस्त थी जिसका नाम था एल्सा। एल्सा उसके ही साथी वैज्ञानिकों में से एक थी जो उसके साथ काम करते थे। बस एल्सा ही वो एक कारण थी जो कैनी को जीने की उम्मीद देती थी। कैनी कहीं ना कहीं मन में एल्सा से प्यार करता था। एक दिन की बात है, वो सुबह उठकर अपनी निराशा भरी जिंदगी को फिर से जीने के लिए चल पड़ता है। कैनी सोचता है कि ये दिन भी बाकी दिनों की तरह एक आम दिन होगा, पर उसे क्या पता था कि जिंदगी आज उसके लिए कोई और मोड़ लेकर आई है। करीब दोपहर का एक बज रहा था। कैनी अपने साथियों के साथ लैब में काम कर रहा था, तभी उन्हें बाहर काफी लोगों की आवाज सुनाई दी। लगा जैसे कोई भीड़ उनकी ओर बढ़ती चली आ रही हो। तभी अचानक रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला और कई फौजी अंदर घुस आए और यहां से सबको बाहर निकालने लगे। कैनी कुछ समझ नहीं पाया। उसने बाहर जाकर एक सीनियर साइंटिस्ट को देखा जो पसीने से भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। विचलित हुआ कैनी उस साइंटिस्ट के पास जाकर उसे पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है? साइंटिस्ट घबराहट भरी आवाज से बोलता है, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है, अब इस संस्थान को बंद करना होगा। कैनी फिर भी कुछ समझ नहीं पाया और बोला, लेकिन हमारी नौकरी का क्या? हमने इतनी मेहनत की है, हमने इस संस्थान के लिए बहुत कुछ किया है, क्या अब इसका कोई मोल नहीं? साइंटिस्ट बोला, वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम लोगों को यहां से जाना होगा। कैनी को यह सुनकर काफी तकलीफ हुई। पहले से ही निराश कैनी अपनी जिंदगी में नौकरी के खोने के डर से टूट सा गया। वो अपने मन में बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका। वो अब ठान लेता है कि उसे ये जिंदगी नहीं जीनी है। वो छत पर चला जाता है खुदकुशी करने के लिए। वो बस कूदने ही जा रहा होता है कि उसे एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। लोग वहां पर तेज आवाज से बात कर रहे थे। वो उन्हें सुनने के लिए उस कमरे के पास जाता है और दरवाजे के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि उस संस्थान के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर नैनसन कह रहे थे कि हम होने वाली इस भयानक तबाही से बाल बाल बचे हैं। डॉक्टर नैनसन के पास बैठा एक और साइंटिस्ट बोलता है कि यह खबर किसी भी हाल में यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड कैनी को वहां खड़े हुए देख लेता है और उसे खींचकर अंदर ले जाता है और कहता है, शायद इसने आपकी बातें सुन ली है सर। डॉक्टर नैनसन कैनी को पहचानते हैं क्योंकि कैनी इस संस्थान का होनहार वैज्ञानिक था। कैनी बोलता है कि मैंने अभी तक तो कुछ खास नहीं सुना है सर, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, मुझे जानना है कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने इस संस्थान के लिए काफी कुछ किया है, आपको तो पता है। डॉक्टर नैनसन कहते हैं, तुम गॉड पार्टिकल के बारे में तो जानते ही हो ना, जिसे हिग्स बोसोन भी कहते हैं। ये यूनिवर्स, स्पेस, टाइम जैसे काफी फोर्सेस के लेयर्स से बना हुआ है। गॉड पार्टिकल के अंदर भी कुछ लेयर होते हैं जिनके बारे में अभी तक तो हम वैज्ञानिक नहीं जानते थे, पर आज हमें इसी गॉड पार्टिकल में से एक और पार्टिकल मिला है जो कि अपने आसपास के ही स्पेस और टाइम को मरोड़ लेता है और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी मशीन खराब हो गई और एक भयानक हादसा हो गया और जिसमें हमारे एक साइंटिस्ट की जान भी चली गई। वैज्ञानिक इसे ब्लैक पार्टिकल कहके बुला रहे हैं। कैनी हादसे की गंभीरता को समझ गया और उसने किसी तरह अपने आप को संभाला।
अब कैनी निराश होकर कमरे से बाहर जा ही रहा था कि तभी डॉक्टर नेंशन बोले, चिंता मत करो, तुम लोगों को इतना पैसा दे ही दिया जाएगा कि तुम अपनी बाकी बची जिंदगी आराम से गुजार सको। कैनी के मन को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली और वो आत्महत्या करने की बात को भूल गया। ऐसे समय बीतता गया, करीब 2 साल गुजर गए और अब कैनी 26 साल का हो गया है और ब्लैक पार्टिकल वाला किस्सा अब उसका अतीत बन चुका है। इन 2 सालों में कैनी ने एल्सा से बहुत बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दिन सुबह कैनी अपने बिस्तर से उठता ही है और उसे उस संस्थान से कॉल आता है जहां वो 2 साल पहले काम करता था। कॉल में सामने से आवाज आती है, हेलो, आप सभी पूर्व वैज्ञानिक जो कि पहले एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते थे, उन्हें दोबारा यहां बुलाया जाता है। हम वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर रहे हैं, आप सभी जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर पहुंचे। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और इसकी थोड़ी देर बाद सभी वैज्ञानिकों को एक ईमेल के जरिए ऑफिशियल इनविटेशन लेटर भी मिल जाता है। कैनी वहां पर ही कुछ देर हैरान होकर खड़ा रहता है, वो सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास अपनी जिंदगी जीने के लिए काफी पैसे हैं, इसलिए वहां अब जाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आफ्टर ऑल कैनी था तो एक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक के अंदर एक कीड़ा होता है और वैज्ञानिक हमेशा उसकी शोध के प्रति बहुत कॉन्शियस रहता है और इसलिए कैनी को एक और ख्याल भी आया कि फिर ब्लैक पार्टिकल का क्या हुआ होगा। उसका ये ख्याल और एल्सा से मिलने की महत्वाकांक्षा कैनी को वापस वहां पर खींच जाती है और कैनी संस्थान जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही कैनी डॉक्टर नेंसन के पास सबसे पहले जाकर पूछता है कि क्या मैंने सही सुना, आप फिर से दोबारा वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और ब्लैक पार्टिकल का क्या करना है। डॉक्टर नेंसन कैनी को कहते हैं, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमने कुछ सोचा है, अगर ब्लैक पार्टिकल को सही मात्रा में बनाया गया तो हम टाइम ट्रैवल से लेकर दूसरी दुनिया में पहुंचने के रास्ते तक खोज सकते हैं। हमने इन 2 सालों में काफी रिसर्च किया है और आखिरकार हमें एक रास्ता मिल भी गया है। कैनी कहता है, क्या, ये क्या कह रहे हैं आप। डॉक्टर नेंसन कहते हैं, तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे, तुम अभी अंदर चलो। फिर वो कैनी को एक्सपेरिमेंटल रूम में ले जाते हैं। कैनी रूम में पहुंचते ही एल्सा को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके लिए वो वहां पर आया था। वहां उसे बहुत सारे साइंटिस्ट दिखते हैं लेकिन एल्सा कहीं नहीं दिख रही थी। यहां डॉक्टर नेंसल बोलते हैं कि ब्लैक पार्टिकल वाला प्रोजेक्ट कभी खत्म हुआ ही नहीं था। इस प्रोजेक्ट को सरकार की अनुमति से कुछ खास वैज्ञानिक पिछले 2 सालों से सीक्रेटली चला रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल पहले जो हादसा हुआ था उस हादसे के बाद सरकार इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली नहीं करना चाहती थी। वही दुनिया के कुछ पावरफुल लोग और वैज्ञानिक दूसरी दुनिया और अन्य आयामों के ताले की चाबी समान ब्लैक पार्टिकल मिल जाने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते थे और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को चुपके से चलाया जा रहा था और आज हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और दोस्तों, इसलिए आज आप लोगों की मदद से हम इसे अंजाम देंगे। इसके बाद कैनी और उसके साथियों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उन्हें दूसरी दुनिया के रास्ते को खोजने के लिए काम करना है और उन्हें यह भी बताया जाता है कि वो लोग कैसे इस प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे और इस सब के लिए उनकी ट्रेनिंग 2 महीने के लिए चलती है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना था। वो सब अब उस मशीन को शुरू करने के लिए तैयार थे। द लार्ज हाइड्रो कोलाइडर को शुरू किया गया, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। वैज्ञानिकों की एक टीम ब्लैक पार्टिकल बनाने की शुरुआत करती है। कुछ समय बीतता है और तभी एक कोने से एक वैज्ञानिक बहुत ही जोर से चिल्लाता है, सर, इस साइड के पार्ट में गामा रेडिएशन की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर नेंसन उसकी ये बात सुन ही रहे थे कि तभी दूसरे कोने में से और एक वैज्ञानिक चिल्लाता है, सर, इधर के पार्ट्स में भी गामा रेडिएशंस बढ़ रहे हैं और एक्सट्रीम लेवल में पहुंच गए हैं। डॉक्टर नेंसन घबरा जाते हैं और फिर तेज आवाज में बोलते हैं, याद रखो, हमें उतनी ही मात्रा में ब्लैक पार्टिकल निकालना है जितना हमने तय किया था। कुछ पल सब शांत रहता है और फिर अचानक कमरे के सारे फायर अलार्म्स बजने लगते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं
और कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खोजने में सफल हुए हैं। सभी खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। इस बात का जश्न हो ही रहा होता है कि तभी उनके सभी उपकरण हाई ग्रेविटेशनल फील्ड की मौजूदगी दर्ज करते हैं। सब तुरंत फिर से अपनी जगह पर जाकर ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद उन्हें पता लगता है कि उन्होंने दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता तो खोज लिया है, पर वो रास्ता एक ब्लैक होल के काफी नजदीक खुला था और इस कारण उस कमरे में ग्रेविटी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसके बाद उस बड़े से मशीन में बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। वैज्ञानिक सारे उपकरण चेक करने लगते हैं और चेक करने के बाद यही पता लगता है कि किसी भी तरह उन्हें वो हाइड्रोकोलाइड मशीन अब बंद करनी ही पड़ेगी। पर अब इस स्टेज पर मशीन को बंद करना नामुमकिन हो गया था। सब कांप जाते हैं क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि उनके साथ इस पृथ्वी का क्या होगा। सब डर के मारे इधर उधर हो रहे थे। अब इस हालात में क्योंकि कैनी को इस मशीन के बारे में डिटेल में जानकारी थी, इसलिए उसे एक ख्याल सूझता है कि अगर किसी तरह इस मशीन के अंदर के सर्किट को फ्यूज कर दिया जाए तो ये मशीन बंद हो सकती है और इस तबाही को रोका जा सकता है। कैनी तुरंत ये बात डॉक्टर नैनसन को बताता है। डॉक्टर नैनसन बोलते हैं, पर हम ये कैसे करेंगे? कैनी बोलता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो पता नहीं कैसी तबाही आएगी। और वो एक लंबी सांस लेकर बोलता है कि मुझे अब अंदर जाना होगा। और इतना बोलकर कैनी बिना कोई समय बर्बाद किए वहां पर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड की गन को छीनकर मशीन में हुई दरार में कूद जाता है। कैनी की त्वचा वहां की गर्मी से जलने लगती है और तभी वो ब्लैक होल समान किसी चीज में गिरते गिरते गोलियां चलाते चलाते उस मशीन की सर्किट को बर्बाद कर देता है। पर अभी उसने जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है। जैसे ही वो इस सर्किट को बर्बाद कर लेता है, उसके साथ वो मशीन तो बंद हो जाता है, लेकिन उसी के ही साथ दूसरी दुनिया का रास्ता भी बंद हो जाता है। इसके बाद एक अजीब घटना होती है। कैनी गिरते गिरते हमारी दुनिया का रास्ता तो पार कर लेता है, लेकिन दूसरी दुनिया या यूं कहें कि दूसरे आयाम में भी वो नहीं पहुंच पाता है। अपितु वो ब्लैक पार्टिकल के कांटेक्ट में आ जाता है और दोनों आयामों के दोनों दुनियाओं के बीच में फंस जाता है। कुछ देर शांत रहने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। सबसे पहले तो कैनी यहां पर अपने जिंदा बचने से हैरान है। फिर वो अपने आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने शरीर के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था और वहां पर एक अजीब सी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर कुछ समय बीतता है और उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान देने पर उसे उसके सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। फिर सब कुछ साफ साफ हो जाने के बाद उसे पता लगता है कि वो सभी समय और वास्तविकताओं को एक साथ देख पा रहा है। वो ये जानकर चौंक जाता है। कैनी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या स्थिति है। कैनी अब जानता था कि वो अब यहां से बाहर नहीं निकल सकता है। वो वहां बैठकर अपने बीते जीवन के बारे में सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि कैसे उसने दुनिया से कटकर अपनी जिंदगी बिताई है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, अपनी जवानी याद आती है और तभी उसे अचानक एल्सा का ख्याल आता है और कैनी भविष्य और अतीत में उसे खोजने लगता है। वो उसे भविष्य में तो कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन अतीत में देखने पर कैनी उसे उसके हेडक्वार्टर्स में देखता है। वो हाइड्रोकोलाइडर मशीन के पास कुछ काम कर रही थी और तभी वार्निंग अलार्म बजने लगता है। एल्सा बोलती है, ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? उसके आसपास खड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि हमें एक नए पार्टिकल के सिग्नेचर्स मिले हैं। और तभी अचानक मशीन में से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके आसपास के सारे वैज्ञानिक घायल हो जाते हैं और एल्सा की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब वहां देखकर कैनी को सदमा पहुंचता है। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि एल्सा ही वो वैज्ञानिक थी जिसने 2 साल पहले इस ब्लैक पार्टिकल को खोजा था और उसकी मौत ही वो वजह थी जिसके कारण वो उसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। कैनी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो वहां पर चीख कर रोने लगा।
कुछ दिन गुजरते हैं। इतने दिन में कैनी वहां पर जिंदा बचने की उम्मीद भी खो चुका था। करीब करीब मूर्छित अवस्था में था। कुछ दिन तक शांत रहने के बाद वो अब वहां सोचने लगा। वो सोचता है कि इंसान को लगता है कि वो सिर्फ खाना खाने से ही जिंदा रह सकते हैं, पर असल में वो उसकी कोई समांतर ऊर्जा के साथ भी जिंदा रह सकते हैं। और कैनी ने जब वहां पर ध्यान लगाया तो पाया कि वहां पर ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, और इसलिए वो वहां पर मेडिटेशन कर अपने जिंदा रहने की ऊर्जा को एकत्रित करने लगा। वही दूसरी तरफ हमारी असली दुनिया में हेडक्वार्टर में कैनी के साथ हुए इस हादसे की वजह से सब लोग शॉक में थे। कुछ देर बाद मशीन को बंद हो जाने के बाद स्टाफ सब कुछ ठीक करने में लग जाता है, और इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। डॉक्टर नैनशल को इस एक्सपेरिमेंट करने के क्राइम में पकड़ लिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने डॉक्टर नैनशल पर पल्ला झाड़ दिया था, और वो रिसर्च स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, और दुनिया सकुशल बच चुकी थी। लेकिन ये सब शांत होने के बाद भी एक इंसान था जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। काफी दिन बीत जाते हैं और कैनी अभी भी उन दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था, पर अभी भी उसने बचने की उम्मीद नहीं खोई थी, क्योंकि कैनी ये जानता था कि वो एक ऐसी स्थिति में है कि जहां से वो पूरे ब्रह्मांड और समय को देख सकता है। कैनी को एक विचार आता है कि क्यों ना मैं इस शक्ति से मानव जात के भविष्य को देखूं। वो ये देखना चाहता था कि दूर के भविष्य में बाकियों के साथ क्या होने वाला है। वो खड़ा होता है और ध्यान लगाता है, वहां की ऊर्जा को एकत्रित करता है, और फिर उसे वहां पर मानव जाति का विशाल दृश्य दिखता है। वो देखता है कि कैसे मानव जाति खुद के कर्मों की वजह से अपने अंत की ओर आ चुकी है, और अभी उस मानवों के साथ इसे रिवर्स करने की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। कैनी ने देखा कि सिर्फ मानव जाति ही नहीं, लेकिन उसके जैसी कई सभ्य सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में आती है और आखिर में नष्ट हो जाती है। कैनी यहां से ब्रह्मांड के अंत को भी देख पा रहा था कि कैसे सब कुछ एकदम ठंडा हो रहा है और ब्रह्मांड महाशीतलन अवस्था में पहुंच चुका है, कैसे ब्रह्मांड के सारे तारे खत्म होकर व्हाइट डॉर्फ से भी आगे एक कोयले एक राख की अवस्था में आ गए हैं, और अंततः ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। वो ये सब देखकर इस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। ये सब देखकर कैनी सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ करूं। उसकी नजर में अब जीवन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। इस तरफ हमारी असली दुनिया में डॉक्टर नैनशल जेल में सजा काट रहे थे, पर उनके साथियों को यह पता था कि उनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो सरकार ही थी जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी, और इस हादसे के सभी के नजर में आ जाने के बाद विरोध के डर से सरकार ने सारे जुल्म डॉक्टर नैनशल पर लगा दिए थे, जिससे सरकार पर कलंक ना लगे। डॉक्टर नैनशल के एक साथी थे जिनका नाम था डॉक्टर एथर। वो डॉक्टर नैनशल के काफी करीब थे और उन्होंने डॉक्टर नैनशल को जेल से निकालने की ठान ली थी। डॉक्टर एथर अपने बाकी साथियों को भी इकट्ठा करते हैं और वो डॉक्टर नैनशल को निकालने में जुट जाते हैं। बहुत सबूत और गवाह इकट्ठा करने के बाद, कोर्ट के काफी चक्कर काटने के बाद, करीब एक महीने बाद उन्हें सरकार के दिए हुए इस रिसर्च के मंजूरी पेपर मिल जाते हैं, और जिससे वो ये साबित कर पाते हैं कि डॉक्टर नैनशल बेकसूर है, और आखिरकार डॉक्टर नैनशल जेल से बाहर आ ही जाते हैं। वो बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन वो अब अपना हौसला खो चुके थे। वो ये मन ही मन मानते थे कि इस सबके कसूरवार वो है। अगर उन्होंने ये प्रयोग शुरू नहीं किया होता तो आज कैनी जिंदा होता। कैनी ने दूसरों को बचाने के लिए जो अपने आप की कुर्बानी दी है, उससे डॉक्टर नैनशल को बहुत सदमा लगा था। 10 साल बाद उस हादसे को हुए 10 साल बीत जाते हैं, और एक रोज की बात है, डॉक्टर नैनशल अपने घर में चाय पी रहे थे, और तभी उनके फोन में एक अज्ञात नंबर से मैसेज आता है। ये मैसेज एक काफी लंबे बाइनरी कोड में था। डॉक्टर नैनशल उस मैसेज को फालतू समझकर उस पर ध्यान नहीं देते,
फिर जब रात हो जाती है तो फिर से एक मैसेज आता है। इस बार ये मैसेज डॉक्टर नेल्सन का ध्यान खींच लेता है और वो इसे देखते हैं। इस मैसेज में एक बड़े नंबर के सिवाय और कुछ नहीं था, पर इस नंबर को ध्यान से देखने पर डॉक्टर नेल्सन को इसमें एक पैटर्न नजर आई। वो तुरंत समझ गए कि ये काफी जटिल बाइनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशंस है। वो पहले तो सोचते हैं कि आखिर कोई उन्हें ये क्यों भेजेगा, और इसी बात को जानने के लिए डॉक्टर नेल्सन इस कोड को डिकोड करने की कोशिश में लग जाते हैं, और उन्हें इसे डिकोड करने में करीब एक महीना बीत जाता है। और जब एक महीने बाद ये नंबर डिकोड हो जाता है तो डॉक्टर नेल्सन की आंखें फट जाती है, क्योंकि वो लंबा सा नंबर डिकोड होने के बाद एक वाक्य बनता था और उसमें लिखा था, डॉक्टर नेल्सन मैं कैनी हूं। जब आप ये मैसेज पढ़ेंगे तो करीब 10 साल बीत चुके होंगे, पर मैं यहां से आपको भविष्य में यह मैसेज पढ़ते हुए देख पा रहा हूं। मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और आपको अगला मैसेज करीब 10 साल बाद मिलेगा, और तब तक आपको इस डिजाइन पर काम करना होगा। कैनी ने डॉक्टर नेल्सन को एक डिजाइन भी भेजी थी जो काफी जटिल फिजिक्स की भाषा में ब्रह्मांड के नियमों को समझाती थी, जो कि उसने भविष्य के इंसानों को देखकर सीखी थी। कैनी अपनी स्थिति को भी बताता है कि कैसे वो 2 डायमेंशंस के बीच फंसा है और इस जगह से वो कैसे सभी चीजों को देख पा रहा है। डॉक्टर नेल्सन ये सब पढ़कर पहले तो कैनी को जिंदा बचने से खुश थे, और फिर वो कैनी के बताए हुए डिजाइन पर 10 साल तक काम करते हैं, और अंततः उन्होंने एक अत्याधुनिक मशीन बनाई। इस मशीन को बनाया तो जरूर गया, लेकिन इसे कोई चला नहीं सकता था। इसे चलाना सिर्फ कैनी को आता था। इस मशीन को बनाने के कुछ दिन बाद, जैसे कैनी ने बताया था, और एक मैसेज आता है। डॉक्टर नेल्सन ने पूरी टीम बिठाई थी, इसलिए वो इस मैसेज को तुरंत डिकोड कर लेते हैं। उस मैसेज में लिखा था कि इस बड़ी मशीन को उस हाइड्रोकोलाइड के पास ही जाकर एक्टिव करना होगा, और इसके बाद कैनी उस मशीन को एक्टिव करने की जानकारी देता है और बताता है कि इसे एक निश्चित समय पर ही एक्टिव करना होगा। डॉक्टर नेल्सन वैसा ही करते हैं जैसा कैनी ने बताया था। वो पुराने हाइड्रोकोलाइड में जाकर उस मशीन को सेट करते हैं, और जब समय आता है तब कैनी के कहे अनुसार इस मशीन को एक्टिव किया जाता है। करीब 20 साल पहले फ्लैशबैक में, उस समय तब जब कैनी मानव जात के भविष्य को देख रहा था, तब उसने ठान ली थी कि वो उसे बदलेगा, और वो समझ गया था कि वो जिस जगह पर है वो कोई सामान्य जगह नहीं है। वो ये जान गया था कि वहां पर चीजें वेव फॉर्म में वाइब्रेट कर रही है, और इसलिए कैनी वहां पर बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित करता है, और वो वहां से बाहर कैसे आना है उसका रास्ता भी खोज लेता है। पर हमारे रियल वर्ल्ड से संपर्क कैसे किया जाए वो उसे पता नहीं था, और ये सब जानने और करने में कैनी को कुछ समय लगा, और उस छोटे से समय के अंतराल में पृथ्वी पर बहुत सारे साल बीत गए, और इस तरह वो अंततः डॉक्टर नेल्सन से संपर्क कर पाया। कैनी 10 साल बाद भविष्य में पहुंचे मैसेज को देखकर यह पता लगा लेता है कि यहां पर टाइम किस तरीके से बिहेव करता है। कैनी पूरी तैयारी के साथ वहां से मैसेज भेजता है, और जब भविष्य की दुनिया में डॉक्टर नेल्सन उस बनाई हुई मशीन को चालू करते हैं, तब कैनी के शरीर में वेव्स रिएक्ट करने लगती है, और कैनी के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगता है, जैसे उसके अंदर से रोशनी निकल जाती हो, और वो वहां से एकदम गायब हो जाता है। वर्तमान समय में जब डॉक्टर नेल्सन और उनकी टीम उस डिवाइस के पास होते हैं, उन्हें एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। डिवाइस में से इतनी रोशनी आती है कि आंख खोलना मुश्किल हो जाए, और कुछ ही समय बाद डॉक्टर नेल्सन कैनी को वहां से निकलते हुए देखते हैं। वो सब कैनी को वहां पर देखकर हैरान हो जाते हैं, और कैनी बाहर आते ही बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर नेल्सन और उनकी टीम कैनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वहां पर वो उनका एक्सरे लेते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि कैनी के शरीर पर एक्सरे का कोई असर नहीं हो रहा था, अपितु कैनी का शरीर तो एक्सरे को सोख रहा था। कैनी इस समय डॉक्टर नेल्सन को जवान लग रहा था, हूबहू वैसा ही जैसा उन्होंने उसे पहली बार देखा था, और डॉक्टर नेल्सन ने अभी जिस कैनी को बचाया है वो दरअसल 20 साल पहले का ही कैनी था, यानी कि कैनी अपने समय से 20 साल भविष्य की दुनिया में आ गया है।
जब कैनी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर नेंसल और उनकी टीम के साथ हॉस्पिटल में था। उसे होश में आते ही सब लोग पूछते हैं कि तुम आखिर किस जगह पे थे, कहां पर इतनी देर तक जिंदा थे। कैनी उन्हें बताता है कि वो दो डायमेंशंस के बीच की कोई जगह थी और उस जगह का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो जगह वैसी ही होगी जैसी आपका दिमाग सोचता हो। कैनी की बात पर से डॉक्टर नेंसल को लग रहा था कि वो कोई रोबोटिक तरीके से, रोबोटिक ढंग से बात कर रहा हो। उन्होंने ये भी महसूस किया कि कैनी उनके मन की बातें भी समझ रहा है। और इस पर कैनी ने बताया कि जब वो वहां पर था तब वहां उसने बहुत सारी शक्ति इकट्ठा की थी और अभी उसका दिमाग 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और कैनी डॉक्टर नेंसल को बताता है कि कैसे भविष्य में मानव जाति का अंत होने वाला है और वो एक मकसद लेकर उन्हें बचाने के लिए आया है। कैनी उस समय की सरकारों से मिलकर मानव जाति को बचाने के लिए एक नया प्लान आयोजित करता है और जिससे मानव जाति किसी दूसरे ही मुकाम पर पहुंच जाती है। दोस्तों, ये काल्पनिक कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में हम ऐसे ही काल्पनिक साइंस फिक्शन के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें और साइंटिफिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।